गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री पी एल मेमोरियल अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास सेकंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पेज नंबर आपको निकालना है, पेज नंबर 29 निकालना है, ठीक है। पेज नंबर 29 पे क्या है, मेमोरी रिकॉल। तो आज हम वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड वीडियो। मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्पेलिंग क्या होगी, VISUAL विजुअल, फिर लिखोगे डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले यूनिट, UNIT यूनिट। यानी कि मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं, और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर 3, वी यूज कीबोर्ड टू राइट ऑन द की राइट ऑन द मॉनिटर। हम कीबोर्ड का यूज क्यों कहते करते हैं, मॉनिटर पर कुछ भी लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट, देर आर 108 कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, कीबोर्ड में 108 की होती है, यानी कि 108 की होती है। अल्फाबेट कीज आर मेड विद इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम A to Z। अल्फाबेट जो की होती है वो कौन सी होती है, A से लगाकर Z तक होती है। फिर स्पेस बार कीज इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो स्पेस बार की होती है वो कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी की होती है। कौन सी की, स्पेस बार की, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बैक स्पेस इज यूज टू इरेज अ लेटर फ्रॉम राइट एंड और वर्ड। यानी कि बैक स्पेस जो की होती है वो क्या काम आती है, लेफ्ट टू राइट में किसी भी वर्ड को इरेज करने के काम आती है। जब हम मॉनिटर पर क्या करते हैं, कोई भी वर्ड गलत टाइप कर देते हैं, तो उस वर्ड को इरेज करने के ये बैक स्पेस की काम में आती है। ओके, अब आपको क्या करना है, चैप्टर अब हमारा चैप्टर पूरा एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को वापस से आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, वापस से आपको समझना है, सारे वीडियो आपको फिर से अच्छे से देखने हैं, ताकि चैप्टर का आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।